Salam, Adab, and a very good morning from Dallas, Texas, and I hope you're doing awesome this morning. We're done with 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. And people really appreciated it. Logo bada maza aaya, especially the last habit, jisme humne development pe baat ki thi, and it was sharpen the saw. To logon ne bahut appreciate kiya. Lekin is video ko banane ka maqsad ye hai ki 5% logon ne एक सवाल उठाया, बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी किए, यानी उनका कहना ये है कि सर ये जो आदतें हैं या जो भी आपने प्रैक्टिसेस पे बात की, दैट्स ओनली पॉसिबल इन डेवलप्ड नेशन, यानी उनको लगा कि अगर ये वीडियो अमेरिका से बन रही है तो ये सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है, यानी उनके नज़दीक ये था कि ये अमेरिका में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जब आप बात करते हैं हैबिट की, तो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, सही है ना। मैंने आपसे कोई जुडिशियल सिस्टम चेंज करने की बात नहीं की। ये बड़ी मोटिवेटिंग वीडियो है, इसको ज़रा गौर से सुनिए। मैंने आपसे जुडिशियल सिस्टम, अदलिया का निज़ाम, पार्लियामेंट का निज़ाम, मैंने आपसे कोई नया पाकिस्तान बनाने की बात नहीं की। हाँ, मैं तो आपसे कह रहा था आप नया आप बनाने की बात की, नया पाकिस्तान नहीं। मिसाल के तौर पर सुबह उठना या ना उठना, दैट्स योर चॉइस, इट्स अप टू योर डिस्क्रिशन। हेल्दी खाना है, अनहेल्दी खाना है, ये आपकी चॉइस है। हाँ, रात के राजाओं रानियों से दोस्ती रखनी है, सुबह के बादशाहों से दोस्ती रखनी है, दैट्स योर चॉइस। कोई अनप्रोडक्टिव मूवी देखनी है या प्रोडक्टिव किताब पढ़नी है, ये आपकी चॉइस है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अमेरिका एंड पाकिस्तान या डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड नेशन, इससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और अगर आप रिसोर्सेज, चलें पहले आप डेवलप्ड नेशन की बात करें, यहाँ की बात करें, हर तीसरा शख्स मोटापे का शिकार है बुरी तरह। हाँ, तो उससे कोई लेना देना नहीं। लोग यहाँ रात के 3 बजे भी उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, रात के 4 बजे भी उठे हुए होते हैं, जिम भरे हुए होते हैं, और ना करने वाले नहीं करते। इसी तरह पाकिस्तान की भी सूरत हाल, पाकिस्तान में लोगों ने जिन्होंने लाइफ स्टाइल रखा है वो रखा है बिल्कुल, और इसका ताल्लुक रिसोर्सेज से, पैसे से है ही नहीं। हाँ, इसका ताल्लुक है ही नहीं। मैंने फिर कहा सुबह उठना आपकी चॉइस है, और एक पब्लिक पार्क में भागना वो आपकी चॉइस है। मैं आपको अपना एक पर्सनल किस्सा बताता हूँ जो अभी नियर पास्ट में हुआ। जब मैं US से पाकिस्तान आया, तो 2 साल बाद में आया था, यानी 22 महीने थे। तो जब मैं आया, मैं मानता हूँ ज़ाहिर एक डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड नेशन में ज़ाहिर डिफरेंस तो है, बहुत सी चीज़ों का होता है। तो ज़ाहिर 2 साल एक प्रैक्टिस हो गई थी, एक सिस्टम में सारी चीज़ें, तो एंटर होते तो आपको ज़ाहिर फील होता है कि यार अभी यहाँ कचरा है, धूल मिट्टी है सब। एक दो दिन ज़रा डिप्रेस्ड भी रहा, होता है, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची, वो मुझे ज़ाहिर एक पूरा कोर्स कराना था, आई वाज देयर फॉर 40 डेज। तो मैंने कहा यार इस तरह कैसे होगा। तो फिर मुझे पता चला कि एक चीज़ है जो कुदरत ने दोनों को दी है एक जैसी, और वो है सुबह का वक्त, सुबह 5 बजे उठ जाना। हाँ, मैं 5 बजे उठ जाता था, 5:30 बजे ग्राउंड में होता था, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लगाई हुई थी, 7:30 तक ब्रेकफास्ट से फारिग होकर क्लास में एंटर हो जाऊँ। यानी मैंने अपना पूरा रूटीन जो है ना मॉर्निंग टाइम में कर दिया। आप सोचें इतना मज़ा आता था। अब लोग कहते हैं कि सर वो सुबह सुबह तो भाई इतना सुकून है, सुबह तो आप बिल्कुल बादशाह होते हो, नो वन इज देयर, रोड पे कोई नहीं होता, देयर इज नो ट्रैफिक, कुछ नहीं, सब रिलैक्स सीन होता है यार सुबह। वो कह रहे हैं वो जी हमें सब ताड़ते हैं, कुछ नहीं, ये भी लिखा। अरे भाई सुबह तो ताड़ने वाले भी सो जाते हैं, वो भी रात में थके हुए होते हैं, मोबाइल चोर भी सोए हुए होते हैं, सुबह का वक्त तो इतना अच्छा वक्त है। तो ये सब आपकी अपनी चॉइस है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। मैंने कहा ना हैबिट, पर्सनल हैबिट्स डेवलप करना ये आपकी चॉइस है। कराची में मैं जानता हूँ अपने सर्कल में लोगों को लाखों रुपये मेंबरशिप के भरे होते हैं पूरे साल, एक दिन भी वो हेल्थ क्लब में नहीं जाएंगे, एक दिन भी नहीं जाएंगे। ये मैं सिर्फ एक जैसे हेल्थ क्लब की मिसाल दूँ, आप कोई भी बात करें, आप चाहे रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करें, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हेल्दी अनहेल्दी फूड की बात करें, सब आपकी चॉइस है। तो ये तो अच्छा है कि मुझसे किसी ने सवाल किया, मुझे किसी ने कमेंट किया, मैसेज किया, एंड आई एम रिप्लाइंग विद अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग मैनर। अगर यही बात आप किसी नेगेटिव शख्स से पूछ लें तो बोलेगा नहीं नहीं ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है, तो पाकिस्तान में कहाँ होगा ये सब। वो तो आप एक पूरी ज़िंदगी में इतनी कोक नहीं पीते जितनी लोग यहाँ एक साल में पी लेते हैं, सोचे कितना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगा। हाँ, और आप कह रहे हैं जी डेवलप नेशन कैसे, ये तो आपकी अपनी चॉइस है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और आखिरी बात जो बड़ी मोटिवेटिंग बात है, मैं हमेशा कहता हूँ और मैं आगे भी कहता रहूँगा, देखो फिर खुदा तुम्हें वापस नहीं भेजेगा इस मौसम को, इस सुबह को, इस वक्त को इंजॉय करने के लिए। आप जाएं, आप बोलेंगे यार मैं तो रात ही देख के आ गया। हैं, अब वो स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम रात में पढ़ते हैं। अरे भाई ये तो आपकी चॉइस है, आप सुबह उठ के पढ़ो, फ्रेश पढ़ो, अच्छे दिमाग से पढ़ो, क्या आइडियाज़ आएंगे, क्या क्रिएटिविटी होगी। और रात को पढ़ते हो फिर शिकायत करते हो बिजली नहीं थी, वो सब पर्सनल चॉइस है, सब पर्सनल चॉइस है आपकी, ठीक है ना। मैंने फिर कह रहा हूँ आपसे, मैंने नया पाकिस्तान बनाने की या ऐसी बातें नहीं की, मैक्रो लेवल पर बातें नहीं की। हाँ, हम भी स्टेटस डाल देते हैं, सही है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें टॉन्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो मैक्रो लेवल पर होता है।
But when it's about personal level, sky is the limit. You get sab phir bar bar. It's your choice. It's your option. I hope things are clear now. And I wish you good luck. And you all have a very good weekend. Thank you.